सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। और कुक विद स्मृति में दोस्तों आज बारी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने की। लेकिन रेसिपीज बनाना स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वादा कीजिए दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप इसके नीचे लाइक बटन जरूर हिट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। आज की रेसिपी है चावल की खीर। खीर तो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर खाई होगी, लेकिन कभी हम किसी की खीर खाते हैं तो बहुत ही गाढ़ी स्वादिष्ट और मलाईदार होती है, और कभी किसी के घर आप खीर खाते हैं तो वो पतली सी और बेस्वाद होती है, जबकि सभी लगभग सेम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो ये फ़र्क आता है इसके बनाने के तरीके पर और छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से। तो चलिए आज मैं जो खीर बनाना आपको सिखा रही हूँ, इसमें कोशिश करूँगी कि आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ और आपको बहुत अच्छी रेसिपी सिखाऊँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं सामग्री। टेस्टी और बढ़िया खीर बनाने के लिए सबसे पहले आप जो दूध ले रहे हैं, फुल फैट मिल्क लीजिए, फुल क्रीम मिल्क लीजिए, इसकी मलाई उतारी हुई नहीं हो आपकी। और यहाँ मैंने लिया है 1.5 लीटर मिल्क। अगर पैकेट का यूज़ कर रहे हैं आप दूध तो फुल क्रीम मिल्क लीजिए। इसके बाद दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों चावल। यहाँ पे मैं 3/4 कप चावल ले रही हूँ, अगर हम कप से मेजरिंग करते हैं तो। और इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस ले सकते हैं, या स्पेशली मार्केट में थोड़े छोटे साइज़ के और थोड़े से मोटे चावल आते हैं जो बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं, ऐसे भी चावल आप ले सकते हैं। आप खीर का चावल के नाम से मिल जाते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल राइस ही ले रही हूँ। पर आप जिस मेरे तरीके से अगर खीर बनाएंगे इनको भिगो करके, तो कोई भी चावल हो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमको चाहिए होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो 15 से 20 यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है, 8 से 10 यहाँ पर काजू ले ली है, 8 से 10 यहाँ पर बादाम ली है, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची, हरी इलायची का पाउडर लिया है, और ये है दोस्तों चिरौंजी। मैं आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ ध्यान से देख पाएँ, ये चिरौंजी है, इसका एक एक दाना आप देखिए ऐसे अलग होता है। मेरे पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि चिरौंजी क्या होती है और ये कहाँ मिलती है, तो मैं आपको इन चीज़ों के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी अगर किसी के एरिया में नहीं मिलती है तो, क्योंकि चिरौंजी का बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है खीर में, तो ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कद्दूकस किया हुआ कोकोनट 2 बड़े चम्मच भर के, और 4 से 6 लच्छे मैंने यहाँ पे लिए हैं केसर के। केसर आपके यहाँ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत अच्छा हल्का सा पीला रंग आ जाता है। अगर आपको सफ़ेद रंग की खीर पसंद आए तो आप केसर मत डालिए। और इसके अलावा आप कोई भी अपनी पसंद के मेवे जैसे पिस्ता वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, या कोई मेवा आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। हम काजू को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बादाम के भी हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। तो चलिए रखते हैं इसको एक तरफ। और नेक्स्ट दोस्तों हमको लेना है चीनी, वो है 1 कप चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावल को पानी डाल के 2 से 3 बार अच्छी तरह से मसल कर साफ करके धो लेंगे, और फिर इन्हें पानी में करीब 15 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। तो चलिए इन चावलों को मैं धोकर भिगो देती हूँ, और तब तक हम दूध को रखते हैं गैस पर उबलने के लिए। तो दोस्तों चावल वगैरह भिगो देने के बाद अगला प्रोसेस है हमारा दूध को गर्म करने का। तो मैंने यहाँ दूध को एक भारी तले के पैन में रखा है। आप जब भी दूध की कोई भी डिश बनाएं तो ऐसा बर्तन लें, चाहे आप नॉनस्टिक कढ़ाई ले सकते हैं या कोई पैन भगोनी कुछ भी ले सकते हैं, जिसका बॉटम यानी कि तला थोड़ा हैवी होना चाहिए ताकि दूध चिपके ना, जले ना। गैस को मैंने फुल करके दूध को उबलने रख दिया है। तो सबसे पहले दूध में एक उबाल आने देते हैं। जब तक दूध आपका उबल रहा है तब तक इस टाइम पर आप अपने नट्स को, अपने ड्राई फ्रूट्स को काट के रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है, और अब मैंने गैस को कम कर दिया है, और गैस में इस तरह हम कोई भी लैडर या चमचा डाल देंगे जिससे दूध हमारा उफने नहीं। खीर बनाते समय एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि पूरे खीर बनाने के प्रोसेस के दौरान हर थोड़ी थोड़ी देर में खीर को ऐसे नीचे बॉटम में टच करके चमचे को चलाते रहें, क्योंकि जो चावल डाल देते हैं आप या कई बार किशमिश वगैरह नीचे बॉटम में बैठ जाती है और वही बॉटम पे चिपक जाती है, और खीर में जलने की अगर ज़रा सी भी महक आ जाए तो पूरी खीर का स्वाद ख़राब हो जाता है और बहुत जल्दी ये चिपक जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि चलाते रहें और लैडल को बिल्कुल बॉटम पर टच करते हुए चलाएँ ताकि नीचे कुछ भी चिपके ना। खीर के अच्छे स्वाद के लिए दूध का गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो हम करीब 10 मिनट तक इसको बिल्कुल धीमी गैस पर इसी तरह बॉईल होने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अगर शुरू से ही चावल डाल देंगे तो चावल बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगे, बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे, क्योंकि हमने चावल भिगोए हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाएँ और बहुत जल्दी से गल भी जाएँ।
तो दोस्तों दूध करीब 8 से 10 मिनट तक उबाल लिया है मैंने और ये भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। और जब हम चावल डालते हैं तो चावल चूंकि पानी में भीगे हुए हैं, ठंडे हैं, तो जाते ही वो दूध का थोड़ा सा टेम्परेचर ले लेंगे। और हमने गैस को इसीलिए इस वक्त कर दिया है फुल ताकि एक बार ये फिर से बॉयल होने लगे। और जब तक ये दोबारा से बॉयल होना शुरू नहीं होता है हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे लगातार। दोस्तों आप इस तरह की बहुत सारी दूसरी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल की रेसिपी प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर रेसिपीज़ पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट घरगृहस्थी.com पर भी जा सकते हैं। तो दूध में उबाल आ गया है, खीर फिर से हमारी खौलने लगी है। तो अब मैंने गैस को मीडियम से लो के बीच में सेट कर दिया है और इसको अब हम खौलने देंगे, बॉयल होते रहने देंगे इसी तरह जब तक कि हमारा ये दूध और रिड्यूस ना हो जाए, खीर गाढ़ी हो जाए और चावल बिल्कुल गल जाए। हम हाथ से दबा के चेक भी कर सकते हैं चावल को कि चावल गल गए हैं या नहीं। तो इसको आप पकने दें इसी तरीके से, हर 3-4 मिनट बाद एक बार आप इस तरह से बॉटम तक चमचे को लैडल को टच करते हुए ज़रूर चलाते रहें खीर को ताकि ये बिल्कुल भी नीचे चिपक ना जाए और ख़राब ना हो आपकी खीर। तो चलिए इसको पकने देते हैं। दोस्तों अब हमने इसको करीब 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। अगर आप 15-20 मिनट पका लेंगे तो उसके बाद चावल हमारे पूरे गल चुके हैं, आप चाहे तो मसल कर भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं खीर अच्छे से मिक्स हो गए, चावल आपस में गाढ़ी हो गई है खीर और दूध भी काफ़ी हद तक हमारा रिड्यूस हो गया है। तो जब चावल ऑलमोस्ट गल गए हैं इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है और चीनी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। चीनी डालकर हम गैस को फुल कर सकते हैं क्योंकि चीनी अभी पिघल कर अपना पानी छोड़ देगी और हमें अब उसको पकाना है। तो चीनी डालने के बाद एक बार चीनी घुल जाए और फिर हम 5 मिनट इसको और पकाएंगे ताकि चीनी का कोई कच्चापन ना रहे और पानी अच्छे से पक जाए। और यहाँ से भी ड्राई फ्रूट्स भी हमने बारीक काट के रख लिए हैं, ये चिरौंजी है, जो नहीं पहचानते वो ध्यान से देख लें इसको। और इन्हें भी अब हम इस वक्त खीर में डाल देंगे। कुछ लोग खीर में कोकोनट नहीं पसंद करते तो वो ना डालें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मिला दें सभी को अच्छी तरह। और ये मैंने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट भी डाल दिया है और यहाँ पर हमारे केसर के लच्छे जो रखे हुए हैं वो भी हम डाल देंगे, उनको भी मिला देंगे, इससे बहुत अच्छा रंग आ जाता है। और केसर डालते ही जब हम मिलाएँगे तो खीर का रंग सफ़ेद की बजाय हल्का सा केसरिया हो गया है, केसर का रंग आ गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, अच्छे से मिला दें। तो देखिए दोस्तों खीर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है और इसी तरह की हमें खीर चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखिए कि चावल और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं, अलग अलग ना गिरें। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम ठंडा हो जाने के बाद करेंगे सर्व। तो लीजिए दोस्तों हमारी खीर झटपट से तैयार हो गई है। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। जब खीर बनकर ठंडी हो जाती है तो आप उसको फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रखने के बाद अगर आप 2-3 घंटे बाद अच्छी ठंडी होने के बाद जब आप खीर को सर्व करेंगे तो खीर का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, साथ ही साथ एक क्रीमी टेक्स्चर भी उसमें आ जाता है। तो आप ज़रूर इसको बनाकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसके नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर हिट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप इस रेसिपी को बनाकर भी ज़रूर देखिए दोस्तों और फिर कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।